भोलेनाथ को क्यों प्रिय है भस्म, जानेंगे तो श्रद्धा से भावुक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में जानिए महाकाल की भस्मार्थी का राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों भोलेनाथ को है प्रिय भस्म। आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर भगवान भोलेनाथ को विचित्र सामग्री ही क्यों प्रिय होती है, चाहे वह जहरीला धतूरा हो या फिर नशीली भांग, गढ़ भी उनके भूत, गले में लिपटे नागदेव, इसी तरह वे अपने तन पर भस्म रमाए रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके शरीर पर लिपटी सौंधी भस्म का क्या कारण है। आइए जानते हैं, आपको एक पौराणिक कथा बताते हैं जिसमें छुपा है इसका राज। मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता का भस्म है, जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहां पर हो रहे यज्ञ कुंड में वह कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता लगा तो वह बहुत ज्यादा बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर पाताल करते हुए ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ की स्थापना हो गई, फरर भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव ने विरह की अग्नि में भस्म हो रही सती की अंतिम निशानी के तौर पर तन पर भस्म को लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था। जहां तहां उनके अंग गिरे वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई। लेकिन पुराणों में भस्म का विवरण भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य ये भी है कि राख विरक्त का प्रतीक है। जी हाँ, भगवान शिव चूंकि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं, कथाओं के माध्यम से उनका रहन सहन एक आम सन्यासी सा लगता है, एक ऐसे ऋषि सा जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और संदेश देते हैं कि अंतकाल सब कुछ राखी तो हो जाना है। एक रहस्य ये भी हो सकता है कि चूंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है, ब्रह्मा जहां सृष्टि की निर्माण करते हैं तो विष्णु पालन पोषण, लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता भर जाती है तो भगवान शिव विध्वस्त कर डालते हैं। विध्वस्त यानी कि समाप्ति और भस्म, इसी अंत इसी विध्वस्त की बोलते हैं और विध्वस्त जो है वो इसी का प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दें, अन्यथा अंत में सब राख ही हो जाना है। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, एक दिन इसी भस्म के समान हमको हो जाना है। शरीर क्षण भंगुर है और आत्मा अनंत। कई सन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से रक्षा करता है और साथ ही साथ सब रोग कूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाता है। रोम कूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इससे गर्मी में रक्षा होती है। मच्छर खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। उज्जैन स्थिति महाकालेश्वर की भस्मार्ती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि पहले वर्षों पहले शमशान भस्म से भूत भावन और भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन ये परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती श्रृंगार किया जाता है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने औषधि युक्त उपलों में समी
पीपल, पलाश, बड़, अमताज और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म का प्रयोग किया जाता है। जलते कंडे में जड़ी बूटी और कपूर गूगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म न सिर्फ सेहत की सृष्टि से उपयुक्त होता है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब होता है। श्रोत, सामर्थ और लौकिक ऐसे तीन प्रकार की भस्म कही जाती है। ऋतु की विधि से यज्ञ किया हो तो भस्म श्रोता और श्रोत है। समृति की विधि से यज्ञ किया गया हो तो वह समार्थ भस्म है तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार की गई हो तो वह लौकिक भस्म है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्यों आखिर भोलेनाथ को भस्म प्रिय है। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर उसमें बताइए और उसमें लिखिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी धार्मिक पौराणिक कथा सुनने और सुनाने में रोचक हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको फिर मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक कहानी और जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।